डमरू भोजपुरी फिल्म 6 अप्रैल से देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी, मगर इससे पहले फिल्म के अभिनेता पदम सिंह ने दावा किया है कि ये फिल्म भोजपुरी सिनेमा को पवित्र कर देगी। उनका मानना है कि ये फिल्म उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो भोजपुरी फिल्मों में कन्नी काटते हैं। इस फिल्म में गुरु शिष्य परम्परा के साथ भोजपुरिया समाज और संस्कृति का बेहतर सामंजस्य देखने को मिलेगा। बता दें कि फिल्म डमरू में पदम सिंह फिल्म की लीड अभिनेत्री यशिका कपूर के पिता के किरदार में नजर आ रहे हैं, जिनकी शख्सियत एक दबंग जमींदार की है। अपहरण, चक द इंडिया, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी फिल्मों में ये नजर आ चुके हैं। अभिनेता पदम सिंह की माने तो युवा निर्देशक रजनीश मिश्रा और प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा ने भी मिलकर भोजपुरी फिल्म डमरू जैसी शानदार फिल्म बनाई है। उन्होंने हिंदी और भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि दोनों इंडस्ट्री काफी अलग है और दोनों का अपना महत्व है, और जहां तक डमरू की बात है तो ये भी किसी हिंदी फिल्म से कम नहीं। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।